नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आप लोगों के लिए अभी कुछ दिनों से जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, उनके जो एंड टर्म के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सभी यानी कुछ क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन हम रोज करते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 में जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का पेपर है, जो 2 क्रेडिट का होता है, 1+1 क्रेडिट का, उसका पेपर हम पूरी तरह से आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसको हम फुल डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर को, जो भी 30 प्रश्न है सभी को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, पहले रफ कार्य आता है, उसके बाद से रफ पेज के बाद, यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी बागवानी शब्द व्युत्पन्न हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, अंग्रेजी। तो आप लोगों को मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है, जो भी वर्ड्स हैं जिनके आगे कल्चर लगा होता है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अर्बोरी कल्चर हो जाएगा आपका, जो भी पीसी कल्चर वगैरह होते हैं, लेक कल्चर, तो जिसमें भी कल्चर लगा होगा वो आपका होगा लैटिन भाषा का, लैटिन वर्ड होगा। और जिसके लास्ट में वाई लगा होगा या लॉजी लगा होगा, जैसे केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा, इक्थियोलॉजी हो जाएगा, इन सभी का, यानी ये सभी शब्द जो हैं ये हमारे ग्रीक शब्द होते हैं। बस पोमोलॉजी जो है वो ग्रीक प्लस लैटिन है, जिसमें पोमस लैटिन है, लॉगस ग्रीक है। इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन, जैसे हॉर्टिकल्चर पूछा गया है तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो लैटिन वर्ड है, तो हॉर्टिकल्चर है एक लैटिन वर्ड। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, पपाया, पपाया डी पपीता, ग्वावा अमरूद, मैंगो आम, बनाना यानी केला। देखिए ये तो एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा जो भारत का नेशनल फ्रूट है वो आपका होता है आम, ऑप्शन नंबर 3 जो है आम जो है वही भारत का नेशनल फ्रूट होता है, आप ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन सी। फिर देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान की संस्थान स्थित है लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद। देखिए ये जो आपका, इसको कहते हैं CIHH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये आपका लखनऊ में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से नई दिल्ली में ICR और IRI जैसी संस्थाएं हैं, और जो भोपाल है यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वो स्थित है, और जो हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद में आपका एक जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन होता है उसका एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट स्थित है, इसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ऐसे ही उसका नाम है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, देखिए तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। फिर देखिए लीची फ्रूट इज बोटेनिकली, यानी लीची फल वानस्पतिक रूप से है। देखिए इसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीची के फल का प्रकार क्या है, यानी फ्रूट टाइप क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पोम, पोम आपका सेब में होता है, ऑप्शन नंबर 2 है बेरी, ठीक है, बेरी है, बेरी आपका जो है वो गुआवा होता है, और आपका बनाना होता है, उन सारी चीज़ों में होता है, पपाया वगैरह में। उसके बाद से देखिए अब ऑप्शन नंबर 3 जो नट होता है, नट में, यानी इसका राइट ऑप्शन यही होगा, लीची के फल का प्रकार नट होता है, तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 नट, इसको आपका याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, विटामिन
निम्नांकित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला और साइट्रस यानी नींबू वर्गीय, गुआवा यानी अमरूद, मैंगो यानी आम। देखिए मैंने आपको बताया है कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, क्योंकि आंवला भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है, लेकिन इसमें रिचेस्ट सोर्स पूछा गया है, ठीक है, यानी सर्वोत्तम स्रोत, तो वो आपका आपका साइट्रस फ्रूट जो नींबू होता है वो रिचेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नींबू यानी साइट्रस। फिर देखिए फैमिली ऑफ मैंगो इज यानी आम का परिवार है, ऑप्शन ए है रोजेसी, रोजेसी आपका गुलाब यानी रोज का होता है, उसके बाद से सेब का होता है, फिर है कैरिकेसी, कैरिकेसी फैमिली भी ये आपको ध्यान में रखना है, कैरिकेसी फैमिली जो पपीता आपका होता है कैरिका पपाया, उसकी फैमिली कैरिकोसी कैरिकेसी होती है, फिर ऑप्शन सी है मिटरेसी या माइटेसी कहते हैं, तो मिटरेसी फैमिली में आपका जो अमरूद है, अमरूद आपका आ जाता है मिटरेसी में। अब देखिए क्वेश्चन जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एनाकार्डियेसी, आम की फैमिली यही होती है एनाकार्डियेसी, तो प्रश्न नंबर 6 का डी। अब देखिए एन एडिबल पोर्शन ऑफ बनाना इज केले यानी केला का खाने योग्य भाग है मेसोकार्प तथा एंडोकार्प, यानी मध्य फलभित्ति तथा अंत फलभित्ति, मेसोकार्प एंडोकार्प पेरिकार्प। देखिए इसमें आपका केला का जो एडिबल पार्ट होता है वो मध्य तथा अंत फलभित्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, और पेरिकार्प मतलब फलभित्ति होता है, एंडोकार्प मतलब अंत फलभित्ति, मेसोकार्प मतलब आपका बाय फलभित्ति, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए अंगूर का परिवार है अंगूर यानी बीटिस वेनिफेरा, फैमिली ऑफ ग्रेप्स, देखिए मिटरेसी का मैंने आपको बता दिया अमरूद होता है, मोरेसी है, विटियेसी रूटेसी, रूटेसी में आपके साइट्रस आते हैं जो नींबू वर्गीय, और अंगूर का जो फैमिली है वो आपका विटियेसी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटियेसी। अंगूर के बारे में आपको कुछ चीजें बता देते हैं, ठीक है, जैसे अंगूर का बॉटनिकल नेम होता है विटिस वेनिफेरा, फैमिली होती है विटियेसी, इसमें क्रोमोसोम नंबर 38 होता है, उत्पत्ति स्थान साउथ यूएसए होगा, और इसका जो पुष्पक्रम है इनफ्लोरेसेंस अंगूर का पेनिकल होता है, पेनिकल पुष्पक्रम अंगूर में पाया जाता है, और यही पुष्पक्रम आम में भी पाया जाता है, ठीक है, और इसके बाद इसमें स्पेसिंग 2x2 मीटर का रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज अंगूर की हैं परलेट, अर्का कंचन, अर्का तृष्णा, किशमिश बैली, दिलखुश, ये सारी, और इसमें इल्ड आपकी उपज अंगूर में 25 से 30 क्विंटल तक उपज मिलती है, तो ठीक है अंगूर, इसमें अंगूर का परिवार विटियेसी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए सेब फल वानस्पतिक रूप से है, इसमें सेब का फ्रूट टाइप पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सेब का होता है पॉम, नट में लीची आता है, बेरी में केला वगैरह आता है, केला गुआवा वगैरह, और ड्रूप में देखिए ड्रूप फल आपसे काफी बार पूछे जाते हैं, तो वो आपको बता देता हूँ, ड्रूप में आपका देखिए क्या क्या आता है, ठीक है, ड्रूप में आपका मैंगो आता है, फिर पीच आता है, फिर कैरोट आता है, डेट आता है, वाटर नट आता है, आमंड आता है, बेर आता है, ये सारे आपके ड्रूप में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉम। देखिए वीडियो हम थोड़ा जल्दी एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो देखिए मैं चारों ऑप्शंस के बारे में बताता हूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, इससे आपको एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है, इसमें आम, देखिए आम का ड्रूप होता है, सही है, आम के फल का प्रकार ड्रूप होगा, आंवला का बेरी दिया है, सही है, देखिए आंवला जो है इसमें एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है, आंवला अगर दिया है तो पहले आंवला का कैप्सूल, आंवला का फ्रूट टाइप आपको कैप्सूल देखने को मिलेगा, और अगर कैप्सूल नहीं देखने को मिलता है तो वहाँ पर बेरी भी होता है, तो बेरी या कैप्सूल इन दोनों में से आप लगाएंगे आंवला का, लेकिन अगर दोनों दिया गया है तो आप कैप्सूल ही लगाएंगे, लेकिन कैप्सूल नहीं है तो बेरी, तो आम का ड्रूप सही है, आंवला का बेरी सही है, अनार का बेलोस्ट्रा सही होता है,
लेकिन लेमन नींबू का आपका नट नहीं होता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा सी, लेमन नट। अब देखिए हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम है। द हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? लोकाट में, पियर यानी नाशपाती में, फिग यानी अंजीर में, चीकू यानी सपोटा में। ये आपको बता देते हैं, देखिए हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम आपका पीपल में पाया जाता है, पीपल में, बरगद में पाया जाता है, गूलर में पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है, ये सारे में आपका पाया जाता है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी, अंजीर यानी फिग। फिर देखिए एन एबिलिटी ऑफ अ सोमैटिक सेल टू रिप्रोड्यूस द इंटायर प्लांट सोमैटिकली इज नोन एज, किसी दैहिक कोशिका की वह क्षमता जो संपूर्ण दैहिकीय पौध को पुनः पेश कर दे जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लांट, टोटिपोटेंसी और डीडिफेरेंसिएशन कैलस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटिपोटेंसी। ठीक है, इसमें आपका टोटिपोटेंसी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द जर्मिनेशन ऑफ सीड इन साइड द फ्रूट इज कॉल्ड, फल के अंदर बीज का जमना क्या कहलाता है? विविपेरी, एपिजियल, हाइपोजियल, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जर्मिनेशन के तीनों टाइप्स हैं, विविपेरस जर्मिनेशन है, एपिजियल जर्मिनेशन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन है। तो देखिए विविपेरस जर्मिनेशन मतलब होता है कि फल का मात्र पौधे के अंदर ही अंकुरण हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए ही होगा आपका, विविपेरी। और इसमें इसके उदाहरण आपके होते हैं चावल होगा और नारियल होगा, फिर राइजोपोरा होगा, ये सभी आपके विविपेरस जर्मिनेशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके इसके अलावा आपका इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन भी होता है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए, विविपेरी राइट हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। Which one of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें क्या दिया गया है, यानी जो प्रोपोगेशन करते हैं विभिन्न हम विभिन्न फलों का जो प्रवर्धन करते हैं उनके टाइप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही है, आम का जो प्रवर्धन है वो विनियर ग्राफ्टिंग या भेंट कलम द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन ए ये भी सुमेलित है। ऑप्शन बी, अब देखिए उसके बाद से सी, केला, केला में शकर द्वारा करते हैं प्रवर्धन, और केला के अलावा स्ट्रॉबेरी, गुलदाउदी, इन सभी में शकर द्वारा प्रोपगेशन करते हैं। आम में सॉरी अमरूद में स्टूलिंग द्वारा करते हैं, लेकिन लीची जो है इसमें कलम द्वारा प्रवर्धन नहीं किया जाता, इसमें एयर लेयरिंग द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है। लीची में आप प्रवर्धन करेंगे एयर लेयरिंग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीची। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। लोअर पोर्शन ऑफ प्लांट इन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन इज नोन एज, स्टॉक यानी मूलवृंत, साइन और स्टेम यानी तना। देखिए स्टेम मतलब तना होता है, यहाँ पर वना टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर आप तना समझेंगे। उसके बाद से ऊपर नन ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि जो ग्राफ्टिंग में जो नीचे वाला भाग होता है प्लांट का उसे क्या कहते हैं? तो नीचे वाले भाग को स्टॉक या रूट स्टॉक कहते हैं। नीचे वाले भाग को रूट स्टॉक कहेंगे या स्टॉक कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूलवृंत यानी स्टॉक। और ये तो आपका नीचे वाला भाग, ऊपर वाले भाग को साइन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, फिर देखिए चीकू फल वानस्पतिक रूप से है बोटानिकली सपोटा फ्रूट इज अ बेरी पोम ड्रूप एग्रीगेट। ठीक है, उसमें उसके बाद से आपका देखिए यानी इसमें चीकू का फल का प्रकार पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए चीकू का फल का प्रकार बेरी होता है, बेरी होता है चीकू के फल का प्रकार, आप ध्यान रखेंगे। पोम आपका सेब में होता है, ड्रूप जो है ये आपका आम और आड़ू यानी पीच, उसके अलावा कैरोट,
इन सारी चीजों में होता है। और एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का फ्रूट होता है। जैसे फ्रूट के तीन यानी भागों में वर्गीकृत किया गया है, सिंपल, एग्रीगेट और कंपाउंड। तो एग्रीगेट का मतलब है कि एक स्थान पर एक फ्रूट से ही काफी एक से ज्यादा फल बनते हैं, उसी को एग्रीगेट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए बेरी सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, केला संबंधित है यानी केला संबंधित परिवार है। बनाना बिलोंग्स टू द फैमिली रूटेसी, मिटरेसी, रोजेसी, मुसेसी। पहला दिया है रूटेसी। रूटेसी में आपके साइट्रस आते हैं जो नींबू वर्गीय हैं, वो रूटेसी में आएंगे। फिर है मिटरेसी, मिटरेसी में आपका अमरूद आ जाता है। फिर है रोजेसी, रोजेसी में आपका सेब आता है और गुलाब आता है यानी रोज। फिर मुसेसी, इसी को मुजेसी कहते हैं, तो मुसेसी में आपका केला आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, बेर में कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय है। बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग इन बेर इज एंड ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मई, यानी अप्रैल के अंत से मई के प्रथम। और ऑप्शन नंबर बी है एंड ऑफ मई टू मिड ऑफ जून, यानी मई के अंत से जून के मध्य तक। और सी है जुलाई अगस्त, और डी है दिसंबर जनवरी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बेर में जो प्रूनिंग किया जाता है वो मई के अंत से जून के मध्य तक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग इन फालसा इज, फालसा में कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय क्या है, मिड जून, मध्य जून, मिड जुलाई, मध्य जुलाई, मिड अगस्त और मिड दिसंबर। तो देखिए, फालसा में कटाई छटाई क्या करते हैं, कब, फालसा अगर आप देखेंगे तो फालसा में प्रूनिंग जो है वो दिसंबर जनवरी में किया जाता है। फालसा में प्रूनिंग दिसंबर जनवरी में करते हैं, तो इसमें जनवरी तो है नहीं, तो राइट ऑप्शन होगा आपका दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दिसंबर, मिड दिसंबर यानी मध्य दिसंबर। फिर देखिए, स्ट्रॉबेरी इज प्रोपोगेटेड बाय, सकर द्वारा, रनर द्वारा, कॉर्न द्वारा और बीज द्वारा। ये आपको हम बता देते हैं, देखिए ऊपर मैंने आपको बताया भी है कि जो स्ट्रॉबेरी होता है, गुलदाउदी होता है, केला होता है, इन सभी में प्रोपोगेशन किया जाता है बाय सकर यानी सकर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो आपका प्रश्न नंबर बी है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सकर। फिर देखिए, और अगर केले में शक्कर द्वारा कर रहे हैं तो शक्कर की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर हो और वजन 500 ग्राम से 750 ग्राम हो, 2 से 3 माह पुराना शक्कर हो, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। फिर देखिए, वनस्पतिक रूप से कटहल है, बोटेनिकली जैक फ्रूट इज सोरोसिस, ड्रूप स्टोन और साइकोनस। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें ऑप्शन ए आप सोरोसिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं ग्रुप में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए, फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो इज कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ, आम में फल गिरना नियंत्रित किया जाता है एथिलीन द्वारा, जिब्रेलिक एसिड 2,4-D और एब्सिडिक एसिड द्वारा। देखिए, एथिलीन और कार्बाइड के द्वारा फल पकाए जाते हैं, जिब्रेलिक एसिड 2,4, तो इसका राइट ऑप्शन आप, इसको हम जो है, इस क्वेश्चन को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में दें, मुझे भी पता चलेगा आप कहाँ कितना क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसका आंसर आपको हमको बताना है कमेंट सेक्शन में। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फल पकाने वाला हार्मोन है, ये ऊपर मैंने तुरंत आपको बताया है, ठीक है। फ्रूट रिपनिंग हार्मोन इज इथिलीन NAA यानी नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड, ABA यानी एब्सिडिक एसिड, IBA यानी इंडोल ब्यूटारिक एसिड। फल पकाने के लिए एथिलीन और कार्बाइड का यूज होता है, तो ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लीची में पार्थेनोकार्पी का प्रकार है। देखिए, पार्थेनोकार्पी जो होता है ये केला में होता है, लीची में होता है, पियर में होता है और कभी कभी ग्रेप्स में देखने को मिलता है, ग्रेप्स में भी अधिकतर होता है। तो पार्थेनोकार्पी मतलब होता है कि
मतलब सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, बीज रही जो फल का निर्माण होता है वही पार्थिनोकार्पी आप कह सकते हैं। तो लीची में जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ऑप्शन नंबर सी, लीची में जो पार्थिनोकार्पी का प्रकार होता है वो है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी स्टेनोस्पर्मोकार्पी। फिर देखिए आप, अब देखिए वही क्वेश्चन वहां से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द टर्म स्टेनोस्पर्मोकार्पी वाज क्वाइंड इन 1936 बाय, शब्द स्टेनोस्पर्मोकार्पी 1936 में गढ़ा गया, दिया गया ओल्मो द्वारा, स्टाउट द्वारा और थॉमसन द्वारा, नेगी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी है वो 1936 में स्टाउट द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ डेट पाम इज थ्रू रनर, सकर, स्लिप्स और स्टोलन, यानी जो हमारा खजूर, ठीक है, खजूर में किसके द्वारा हम वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं। तो इसमें आपका जो है, जैसे आप खजूर में देखेंगे डेट में, तो आपका जो प्रवर्धन है वो आप सूट द्वारा भी किया जाता है और सकर्स द्वारा भी किया जाता है और टिश्यू कल्चर द्वारा भी किया जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खजूर का वनस्पतिक प्रसारण सकर्स द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज नॉट अ मोनोकोटिलेडोनस, यानी निम्नलिखित में से, निम्नलिखित फलों में से कौन सा फल एक, यानी कौन सा एक फल एक बीजपत्री नहीं है, पूछा जा रहा है एक बीजपत्री नहीं है। तो बनाना यानी केला एक बीजपत्री है, पाइनएप्पल यानी अनानास भी एक बीजपत्री है, डेट यानी खजूर भी एक बीजपत्री है, लेकिन पपाया जो पपीता होता है वो आपका एक बीजपत्री नहीं है, द्विबीजपत्री नहीं, डाइकोटिलेडोनस है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी यानी पपाया, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज सुटेबल फॉर एरिड रीजन, निम्नलिखित फलों में से कौन सा एक शुष्क क्षेत्र के लिए ठीक है, तो यानी एरिड रीजन के लिए कौन सा अच्छा होगा, तो मैंगो यानी आम, बेर, पपाया यानी पपीता, एप्पल यानी सेब। तो एरिड रीजन के लिए ऑप्शन के हिसाब से बेर जो है वो उपयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी, ठीक है। फिर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका 29वां क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन प्लांटिंग सिस्टम इज, सबसे प्रचलित रोपण प्रणाली है, मोस्ट कॉमन जो है रोपण प्रणाली वो कौन सी है, स्क्वायर यानी वर्गाकार, ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार, रेक्टेंगल यानी आयताकार और हेक्सागोनल यानी षटभुजाकार। तो जो मोस्टली यूज की जाती है, मोस्ट कॉमन प्लांटिंग सिस्टम है वो है आपकी स्क्वायर मेथड, यानी स्क्वायर सिस्टम जो वर्गाकार विधि होती है वो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है स्क्वायर मेथड। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी NHB वाज स्टेबलाइज्ड इन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई 1984 में, 1986 में, 1985 में, 1987 में। तो NHB यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्टेबलाइज्ड हुआ था अप्रैल महीने में, कब, 1984 अप्रैल 1984 में NHB स्टेबलाइज हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1984 यानी 1984। तो ये आपका पूरा पेपर था जो हमने सॉल्व करा दिया है, और हम मिल लेते हैं आपसे किसी एक नए पेपर के साथ। और आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर लें। और जो कल हमने पेपर सॉल्व किया था एग्रीकल्चरल हेरिटेज का, उसका जो पेपर है PDF वो हमने आज ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका PDF भी आज आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से हमने सारे टॉपिक, अधिकतर टॉपिक को कवर किया है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।